ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें तालिबान का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में उन्होंने 19 लाख रोजगार के नाम पर एनडीए ने अपना सरकार बिहार में बनाया था, क्या 19 लाख रोजगार युवाओं को छात्र छात्राओं को मिला? शिक्षा का मामला हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी भी चीज में मुख्यमंत्री जी फेल ही फेल नजर आ रहे हैं, पास कहीं नहीं। इन तमाम अभ्यर्थियों का लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्थन है। अभी कुछ देर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे, तमाम अभ्यर्थियों को इस जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्वक इसका समर्थन करेंगे और लड़कों लोगों को संबोधित करेंगे। कल फर्स्ट जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में छात्र छात्राओं, मेडिकल से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हर उस बिंदु को उसमें चर्चा किया गया है जो राज्य सरकार नहीं कर पा रहा है, वो हमारा मैनिफेस्टो में किया गया। और चिराग पासवान जी यहाँ की आवाज़ से लेकर के वो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे इस विषय को लेकर के। वो आने दीजिए, वो क्या बोलते हैं वो तो आप तमाम मीडिया के 7 साल से वो दो टहला रहे हैं, पहले किए हुए रहते तो क्या नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान जी का समर्थन नहीं मिलता? भाई साहब इस चीज़ को आप गौर से सुनिए, अगर कप्तान को ताली तो गाली भी कप्तान को, और अच्छा नीतीश कुमार जी करेंगे तो बड़ाई किसका होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो क्या ऐसा जरूरत है कि बिहार के छात्र छात्राओं दूसरे प्रदेश में जाते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए? क्या बिहार में उस चीज का नौकरी नहीं हो सकता है, प्लांट नहीं बैठ सकता है? तो कहने का मतलब है तमाम तमाम युवा साथियों को, अभ्यर्थियों को चिराग पासवान जी का समर्थन मिलेगा और शांतिपूर्वक ढंग से यह प्रदर्शन रहेगा, उसमें चिराग पासवान जी रहेंगे। तो ये थे लोजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन युवाओं के जो भविष्य के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है उसको लेके चिराग पासवान का समर्थन। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें गर्दनीबाग धरना स्थल के, जहां पे काफी संख्या में बीएसएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, और इनका कहना है कि लगभग 8 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, अभी तक इसमें हमें रिजल्ट नहीं दिया गया, काउंसलिंग नहीं किया गया, तो हम क्या करें? आयोग कहती है कि अगर धरना प्रदर्शन करोगे